दरभंगा के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो हम आपको बता देते हैं। 13वें राउंड में अचानक से जदयू उम्मीदवार का बढ़त का अंतर घट जाने से राजद खेमे में खुशी की लहर एक बार फिर 14वें और 15वें राउंड की गिनती के बाद मध्यम पर गई, जहां 14वें राउंड में जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 7435 मतों से आगे थे, तो वहीं 15वें चरण में 7078 वोटों से अमन भूषण हजारी आगे चल रहे हैं। लगातार अमन भूषण हजारी जदयू उम्मीदवार पर 5वें राउंड की गिनती के बाद से ही 5000 वोटों से अधिक से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात करें कुल मतों की तो 15वें चरण के बाद जदयू के अमन भूषण हजारी को 39325 जबकि राजद के गणेश भारती को 32247 वोट मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा यह कहना अंतिम तक मुश्किल होगा। कांटे का मुकाबला है, लेकिन इतना तो अभी स्पष्ट है कि जदयू उम्मीदवार एक ठीक ठाक अंतर से आगे में अपनी जगह बनाए हुए हैं।